अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस रेगुलर वॉच करते रहोगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मर्दाना ताकत को नुकसान पहुंचाने वाली जो अशिया है जिनको हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो मतलब है, यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये इसका कसरत इस्तेमाल आपकी मर्दाना ताकत को नुकसान पहुंचाती है, तो इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल न किया जाए। तो इन चीज़ों के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ ये नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को वॉच करके इस नुकसानदेह अशिया से परहेज़ करें जो मर्दाना ताकत को नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, मर्दाना ताकत को नुकसान पहुंचाने वाली अशिया जिनके कसरत से इस्तेमाल से आप लोगों को बचना चाहिए, ये वो हर किस्म के तुरश फल, अचार का इस्तेमाल, चटनी का इस्तेमाल, इमली का कसरत से इस्तेमाल, केत, सरका का, नींबू का, आम की कटाई वगैरह का कसरत इस्तेमाल आप लोगों की मर्दाना ताकत यानी कुव्वत बा को नुकसान पहुंचा सकती है। और ज़्यादती के साथ लाल मिर्च का इस्तेमाल करना, गरम मसाला जात का इस्तेमाल करना, ज़्यादती के साथ चाय व काफ़ी का इस्तेमाल करना, सोनफ का इस्तेमाल करना, हरा या खुश्क धनिया का इस्तेमाल करना ज़्यादती से ये कुव्वत बा यानी मर्दाना ताकत को नहायत नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, ये हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको कभी भी कसरत से इस्तेमाल न किया जाए, वरना ये इंसान के कुव्वत बा को नहायत नुकसान पहुंचाती है अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, यकीनन ये जो मैंने आपको अशिया बताई है, ये आप लोगों को पसंद आई होगी और इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ ये नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हम आप लोगों के साथ ऐसी ज़बरदस्त टॉपिक्स हर रोज़ शेयर किया करें। अब मुझे इजाज़त दे दें। वस्सलाम।